इसका एग्जाम में पूछेगा और क्या नाम इसका, आप कहोगे वाटर स्क्यू हॉस्पिटल मेंटल व्यू, ठीक है, और पैरानेजल साइनसेस, जो भी साइनसेस हैं क्या क्या है, क्या क्या देखते हैं, सारे साइनसेस देखेंगे और कुछ देखेंगे, ठीक है, और क्या क्या देखोगे, मैंडिबल भी देखोगे, पैथोलॉजी तो बात नहीं है, पैरानॉर्मल चीजें जाइगो में देखोगे, और फेशियल बोन्स फ्रैक्चर पे काम देखने के बाद, बाकी फिर कौन कौन से साइनस नजर आएंगे वो, और वो हिजीनेस कहाँ होगी, पैथोलॉजी वो क्या होगी, होता होगी, जैसे इसमें पॉलिप्स लग रहा है, हो सकता है पॉलिप्स, तो इतना ही इसमें, बाकी आपको पढ़ा चुके हैं कई बार, ठीक है, ये भी पैरानेजल साइनस है, ये सिमिलर से ये एक्सरे एट्रियम एक्सरे सॉफ्ट टिश्यू नेक, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू, तो ये है वेयर वी सी द वाइडनिंग ऑफ द प्रीवर्टेबल और रेट्रोफेनिजल स्पेस, ठीक है, इसके क्राइटेरिया है जो आपके बुक में भी दिया हुआ है, जहाँ पर एक्सरे दिया वहां पर लिखा हुआ है सी टू और सी सेवन लेवल पर, सी टू और सी सिक्स लेवल पर, बच्चों में और बड़ों में अलग अलग क्राइटेरिया है, ठीक है, सी टू पर 7 mm होना चाहिए, मोर देन 7 mm, और नीचे 14 mm इन चिल्ड्रन, 2 mm इन एडल्ट वाइडनिंग, ठीक है, एक और क्राइटेरिया पहले होता था जो बॉडी ऑफ द वर्टेब्रा से डबल अगर हो जाए तो वैसे किया जाता है, लेकिन आजकल तो एमएम में ही अब कहते हैं, ठीक है, तो रेट्रोफेरिंजल एब्सेस या प्रीवर्टेबल एब्सेस उसमें हो, तो कैसे ड्रेन करोगे, इंट्रा ओरल भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें एस्पिरेशन के चांसेस है, ट्रांससर्वाइकल इंसिजन लगा के बाहर से ड्रेन करते हैं, क्या क्या कॉजेज हैं, बच्चों में एक्यूट लिम्फ नोड सेपरेट कर जाता है, बड़ों में यूजुअली ट्यूबरकुलर होता है, फॉरेन बॉडी अगर कोई पूछे तो आप बताओगे कि फॉरेन बॉडी थ्रोट है पॉसिबली, लेकिन मोस्ट लाइकली इस अटैक बिकॉज ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द फॉरेन बॉडी, मोस्ट लाइकली अ क्वाइन, ठीक है, बट विल नीड टू कंफर्म इट ऑन लेटरल व्यू, ठीक है, कहां पर फंसा होगा इसोफेगस में, क्योंकि इसोफेगस एंटीरियर पोस्टीरियर कोलैप्स रहता है, अगर ट्रेकिया में होता तो मोस्ट वो तो बाद की बात है, अगर पूछे तब बता देना, ट्रेकिया में एंटीरियर पोस्टीरियर ज्यादा चांस है फंसने के, लेकिन इसोफेगस एंटीरियर पोस्टीरियर कोलैप्स रहता है, तो इसलिए इस डायरेक्शन में फंस जाता है, कैसे निकाल, कौन कौन सी कंस्ट्रक्शन है वो पूछेंगे, ये क्रिकोफेरिक्स में फंसा हुआ है, इनलेट ऑफ द थोरेक्स के रीजन में फंसा हुआ है, फिर क्या क्या कंस्ट्रक्शन वो बताओगे आप, और कैसे रिमूव करोगे रीजन इसोफेगस को भी, जो भी पढ़ा चुके हैं, अंडर जनरल ये एक्सरे सॉफ्ट टिश्यू नेसोफेरिंग्स है, ठीक है, नेक भी दिख रहा है इसमें सब कुछ, लेकिन पैथोलॉजी इसके नेसोफेरिंग्स में दिख रही है, और इसमें एडोनाइट बड़ा हुआ थोड़ा सा दिख रहा है, नेसोफेरिंजियल एयरवे अभी थोड़ी सी पेटेंसी है, लेकिन इट्स कॉजिंग इंडेंटेशन ऑफ द नेसोफेरिंजियल एयरवे, एडोनाइट बड़ा हुआ दिख रहा है, हाइपरट्रोफिक दिख रहा है, ठीक है, टॉन्सिल कोई पूछे कहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर यूजुअली दिख रहा है टॉन्सिल शैडो, लेकिन इसमें क्लियर नजर नहीं आ रहा है, कुछ लोग बता पाते हैं कुछ लोग नहीं बता पाते हैं, और दिस इज प्राइमरली डन फॉर एक्सोनेसोफेरिंजियल सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू में रेडिएशन थोड़ी कम रहती है, ये भी पैरानेजल साइनस है, तो अभी देख चुके, ठीक है, ये सॉफ्ट टिश्यू एक्सरे नहीं है, वो नहीं एक्सरे है, इसमें इसमें पूरा वाइट वाइट है, दिस इज इन कंपैरिजन टू दिस एक्सरे, देखो वो भी सर का एक्सरे, ये भी सर का, इसका पूरा वाइट वाइट है, इसमें सॉफ्ट टिश्यू डिटेल्स नजर आ रही है, और इसमें बोनी डिटेल्स भी अच्छे से नजर आ रही है, तो दिस इज यूजली सॉफ्ट टिश्यू एक्सरे जहां पर रेडिएशन थोड़ी कम रहती है, बोनी एक्सरे जहां पर बहुत स्पेसिफिकली देखनी हो डिलिनेशन ऑफ द बोन वो अच्छे से दिख जाते हैं, एंड दिस इज फ्रैक्चर ऑफ द नेजल बोन, ठीक है, वो दिख रहा है, इसका ट्रामा यूजली कॉज है, और मैनेजमेंट वो सारी चीजें, ये ओपीजी ऑल्सो पेंटोमोग्राम, ठीक है, जहां पर हमें पूरा मैंडिबल वगैरह दिख जाता है, तो एक एंड से लेके दूसरे एंड तक ना एक्सरे घुमा के किया जाता है, पेशेंट के वो एक्सरे मशीन रोटेट कर जाती है आगे पीछे तक, पेशेंट को अपना हेड स्टेबलाइज करना पड़ता है, तो ये पूरा रोटेट करके फिर एक ही फिल्म पे ये जो नॉर्मल कर्व स्ट्रक्चर है स्ट्रेट रखते देख पाते हैं,
फिर दांत वगैरह इजीली डेंटल वाले कराते हैं, दांत वगैरह देखने के लिए डेंटिस्ट या कोई डेंटिस्ट हो, केरीज हो कुछ हो, या मैंडिबल में फ्रैक्चर हो वो भी देखते हैं, ऊपर साइनसिस में या मैक्सिला वाली चीजें, खासतौर से टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट में देखना हो वो इसमें अच्छे से दिख जाता है। ठीक है, ये एक्सरे मैथड है, बहुत बारी पढ़ा चुके हैं, इसमें वही दो चार चीजें ही देखनी है, साइनोड्यूरल एंगल देखना है, ड्यूरल लो लाइन ड्यूर ये देखना, ये साइनोड्यूरल एंगल है। ठीक है, मैस्टर की एक्सरे ना, तो मैस्टर की दिखेगा इसको देखिए ना, अंदाजा हो जाता है। ठीक है, तो इफ दिस इज द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, दिस इज एक्चुअली द एक्सरे ऑफ द मैस्टॉइड, और मैस्टॉइड में आप यहाँ पर देख पाओगे कि ये वाला मैस्टॉइड का ही एरिया है, दिस इज अ स्क्लेरोज्ड मैस्टॉइड, जहाँ पर पूरा वाइट स्ट्राइट से दिस लॉस ऑफ एयर सेल्स सेल्युलैरिटी जो है ना वो खत्म हो गई है एयर सेल्स, तो स्क्लेरोसिस की वजह से पूरा वाइट बोन बोन न्यू बोन फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ पीछे सिग्मॉइड साइंस आएगा, ऊपर टेगमेंट टिम्पने आएगा, दैट इज द रूफ ऑफ द मिडिल लेयर। ठीक है, तो ये कई बार लो लाइंग ड्यूरा होता है, अभी हमने एक पेशेंट ऑपरेट किया था तो उसका ना अच्छा खा, देखो ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, इसके ऊपर इतना यहाँ पर है ये ना एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के ऊपर है, लेकिन एक पेशेंट जैसे एक आध पेशेंट ऑपरेट कर चुके हैं, इनका इस लेवल पर ड्यूरा था, मतलब कैनाल के जस्ट बिहाइंड तक ड्रिल करके हमने जहाँ खोलना स्टार्ट किया, एंटर में यहाँ पर आना चाहिए माइक्रोवेव ट्रायंगल, वहाँ पर खोला तो ड्यूरा डायरेक्टली आ गया। तो सच पेशेंट्स कैन हैव लो लाइंग ड्यूरा, तो वो दिस हेल्प्स अस इन असेसिंग कि लो लाइंग ड्यूरा तो नहीं है, वी विल बी कॉशियस बिफोर आइंस, और पीछे सिग्मॉइड साइंस है, यूजुअली कॉन्ट्रैक्टेड मैस्टॉइड जहाँ पर हो, जहाँ पर वो तब कॉन्ट्रैक्टेड मैस्टॉइड एंट्रम तभी होगा जहाँ पर स्क्लेरोसिस हो जाता है, तो उसमें ना ये स्ट्रक्चर थोड़े नीचे और आगे पीछे वाले स्ट्रक्चर थोड़े आगे आ जाते हैं, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि पूरी बोन बोन है और स्पेस कम हो जाती है, तो वी कैन डायरेक्टली हिट ऑल दो स्ट्रक्चर्स, तो स्क्लेरोस मैस्टॉइड इज मोर डेंजरस टू ऑपरेट देन अ वेल न्यूमेटाइज, क्योंकि आपने ड्रिल किया मैस्टॉइड एंट्रम खुल गया, आपको स्पेस मिल जाती है, आपको पता चल गया कि एंट्रम वहाँ पहुँच गया, वहाँ पर आप अंदर पूरी बोन ड्रिल करते जाओ कहाँ तक पहुँचे, मीडियल वॉल ऑफ द एंट्रम भी ड्रिल कर रहे हो वहाँ पर, फिर मीडियल वॉल ऑफ द एंट्रम में क्या हुआ सेमीसर्कल कैनाल होंगे, ठीक है वेस्टिबुल होगा, वहां अगर स्ट्राइक कर तो आपको नुकसान हो जाएगा पेशेंट का, वो चीज डिफिकल्ट हो जाती है एसेस करना इसमें। हाँ, साइनोड्यूरल एंगल यही वाला, आगे टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट है, ठीक है वो भी हम इसमें देख सकते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल दिख रहा है, पकड़ के हाथ में देख सकते हैं। Thank you.